क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जैसी कि उम्मीद थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बेहद निराश किया और पूरी तरह से ढेर हो गए। वो तो लॉर्ड शार्दुल ने तूफानी खेल दिखाकर थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली और फिर बाद में गेंदबाजों ने वापसी कराई, नहीं तो यहाँ भी पहले ही दिन हार तय हो जाती। अब दिन के खेल के बाद शार्दुल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और शार्दुल ने भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग का पाठ पढ़ा दिया। शार्दुल ने बताया कि वो कैसे खेले और बाकी खिलाड़ियों को किस तरह खेलना चाहिए था। शार्दुल ने यहां तक कह दिया कि पिच उतनी मुश्किल नहीं थी, यानी कि भारतीय बल्लेबाज डर कर ढेर हो गए। तो क्या क्या हुआ मैदान में पहले दिन, फिर मैदान के बाहर शार्दुल ने क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो शार्दुल ठाकुर ओवल टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के हीरो हैं। शार्दुल ने 8वें नंबर पर आकर अद्भुत बल्लेबाजी की। शार्दुल उस वक्त बैटिंग के लिए आए जब टीम इंडिया मझधार में थी और सारे बल्लेबाज भारत को भंवर में छोड़कर आउट हो चुके थे। 7वां विकेट भी 127 रन पर आउट हो चुका था और लग रहा था कि 130 के आसपास पूरी टीम ढेर हो जाएगी और फिर चौथे दिन ये टेस्ट मैच भी भारत हार जाएगा। मगर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर तो कुछ और ही ठान कर आए थे। जिस पिच पर भारत के टॉप बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे थे, उनके पैर नहीं चल रहे थे, बल्ला सीधा नहीं जा रहा था, उसी पिच पर शार्दुल ठाकुर ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। शार्दुल ने अंग्रेज गेंदबाजों को सीधे बल्ले से जोरदार प्रहार किया और सिर्फ 32 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी। शार्दुल ने अपनी इस पारी में 3 लंबे छक्के लगाए तो 7 चौके भी जड़े और उमेश यादव के साथ 8वें विकेट के लिए 63 रन की बेहद जरूरी पार्टनरशिप की। शार्दुल टीम के टॉप स्कोरर रहे और शार्दुल की इसी 57 रन की पारी की बदौलत भारत का स्कोर 191 तक पहुंच पाया। अब पहले शार्दुल ने वापसी कराई तो फिर गेंदबाजों ने भी टीम इंडिया को आगे रखा। बुमराह ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को ढेर कर दिया तो पहला मैच खेल रहे उमेश यादव ने सबसे बड़े विकेट के रूप में जो रूट को आउट कर दिया और टीम इंडिया को देर शाम जबरदस्त वापसी करा दी। अब दिन का खेल खत्म होने के बाद शार्दुल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। शार्दुल से बैटिंग को लेकर ही सवाल किया गया। शार्दुल ने कहा कि इंग्लिश कंडीशन में बॉल हमेशा स्विंग होती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे बल्ले से खेलना होता है। शार्दुल ने कहा कि मैंने पूरी तरह से वही किया जो मुझे सिखाया गया है, यानी कि शार्दुल ने साफ साफ कहा कि उन्होंने सीधे बल्ले से बैटिंग की जो कि स्विंग कंडीशन में करना होता है, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शार्दुल ने हमारे टॉप बल्लेबाजों को बैटिंग का पाठ पढ़ा दिया कि स्विंग होती बॉलों पर कैसे खेला जाता है। शार्दुल ने कहा कि उन्हें टीम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से बैटिंग के लिए जाते वक्त कोई मैसेज नहीं था, लेकिन वो खुद जानते हैं कि ऐसे मौकों पर कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे स्कोर को आगे बढ़ाया जाता है और कैसे टीम के लिए खेला जाता है। साथ ही शार्दुल ने कहा कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर कुछ और रन बनाता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, भारतीय टीम और भी मैच में आगे हो सकती थी। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मैंने अपनी बैटिंग पर काफी फोकस किया है और हमें मैच जीतना है तो दूसरी पारी में हमारे टॉप ऑर्डर को रन बनाना होगा और निचला ऑर्डर यानी कि लोअर ऑर्डर भारत का काफी अच्छा खेल रहा है, रन भी बना रहा है और पिछले मैचों में भी एक करके दिखाया है। यानी कि एक 8वां नंबर का बल्लेबाज जिसकी टीम में भी जगह पक्की नहीं होती है, पहले वो रन बनाता है, टीम को मुश्किल से निकालता है और फिर टीम इंडिया के बाकी महान बल्लेबाजों को पाठ भी पढ़ाता है कि कैसे ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी की जानी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि रहाणे और पुजारा जैसे बल्लेबाजों को शार्दुल ठाकुर से कम सीख जरूर लेनी चाहिए ताकि भारत को इस टेस्ट मैच में तो हार से बचाया जा सके और अगले टेस्ट मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर किया जा सके। तो कुल मिलाकर शार्दुल फिलहाल ओवल टेस्ट के हीरो हैं, उनकी बैटिंग कमाल की रही है और अब उम्मीद है कि वो बॉलिंग में भी कमाल दिखाएंगे और भारतीय टीम को जिताकर बड़ा योगदान देंगे। तो आपका शार्दुल के इस खेल, शार्दुल के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा फिलहाल इस सीरीज में भारत के लिए सबसे सफल बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। करीब करीब हर पारी में रोहित ने रन बनाए हैं और नई गेंद की चमक को भी खत्म किया है जो कि टेस्ट मैच में ओपनर्स का सबसे जरूरी काम है। अब बतौर ओपनर इंग्लैंड जैसी सबसे मुश्किल कंडीशन में रोहित सबसे शानदार खेल दिखा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब रोहित शर्मा को इंग्लैंड दौरे के बीच में ही बड़ा इनाम दिया गया है। जी हां, लंदन के ओवल में होने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले लंदन में ही टीम मैनेजमेंट की एक मीटिंग हुई है। खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली इन दिनों लंदन में ही मौजूद हैं और मीटिंग में भी गांगुली शामिल हुए।
इस मीटिंग में कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री, सौरव गांगुली के अलावा टेस्ट के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा शामिल हुए। लंदन के होटल में इस मीटिंग में रहाणे को बताया गया कि उन्हें बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए दबाव से मुक्त किया जा रहा है और उनसे उपकप्तानी का भार वापस लिया जा रहा है। जी हां, हेड कोच रवि शास्त्री ने मीटिंग में रहाणे को बताया कि वो अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान दे सकें और इसीलिए उनसे वर्कलोड कम किया जा रहा है और रोहित शर्मा को टीम का नया टेस्ट उपकप्तान बनाया जा रहा है। जी हां, ये बहुत बड़ा ऐलान था जिसकी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। और फाइनली लंदन में बेहद सम्मानजनक तरीके से रहाणे को पहले बताया गया कि वो अब उपकप्तानी के भार से मुक्त है और फिर पूरे सम्मान के साथ रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया गया। हालांकि रहाणे सीनियर खिलाड़ी होने के नाते टीम के लीडरशिप ग्रुप में बने रहेंगे क्योंकि उन्हें टेस्ट में कप्तानी का भी खासा अनुभव है, लेकिन उनकी खराब बैटिंग को देखते हुए उन्हें उपकप्तानी से कार्य मुक्त कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। अब इस मीटिंग से पहले और तीसरे टेस्ट मैच से पहले भी लंदन में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें रहाणे की जगह पर रोहित को उपकप्तान बनाए जाने की चर्चा हुई थी, जिसमें खुद कप्तान विराट कोहली ने ही रोहित शर्मा की पैरवी की थी और रोहित को टेस्ट उपकप्तान के लिए परफेक्ट बताया था। और तब रवि शास्त्री ने भी रोहित शर्मा की तारीफ की थी और कहा था कि रोहित ने काफी कप्तानी की है और अब वो टेस्ट मैचों में भी उपकप्तानी के लिए तैयार है। और तब सौरव गांगुली भी इस फैसले से करीब करीब राजी थे, तैयार थे। हालांकि तब फैसला नहीं हो पाया, लेकिन अब लंदन से खबर है कि फैसला ले लिया गया है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के नए टेस्ट उपकप्तान है और विराट की तरह सभी फॉर्मेट में रोहित अब भारत के उपकप्तान बन गए। अब हालांकि अभी बीच दौरे में इसकी घोषणा नहीं की जाएगी क्योंकि बीच सीरीज में टीम इंडिया कोई विवाद नहीं चाहती और इसीलिए मीटिंग में बेहद सम्मानजनक तरीके से ट्रांजिशन किया गया और रहाणे को भी पूरे सम्मान के साथ बताया गया। हालांकि यहां पर रोहित को उपकप्तान बनाए जाने के बड़े मायने भी हैं क्योंकि रहाणे अब सिर्फ बतौर बल्लेबाज टीम में होंगे और हो सकता है, जी हां, बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि रहाणे को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाए। बीच सीरीज में उपकप्तान बदलने का मकसद ये भी हो सकता है और बहुत संभव है, जी हाँ, बहुत संभव है कि रहाणे को चौथे टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया जाए और इसीलिए पहले ही रोहित शर्मा को उपकप्तानी सौंप दी गई है। तो लगभग तय मानिए कि अब रहाणे टीम से बाहर होने जा रहे हैं। हालांकि हो ये भी सकता है कि चौथे टेस्ट मैच में रहाणे को बतौर बल्लेबाज एक आखिरी मौका दे दिया जाए, लेकिन उनसे उपकप्तानी छिन चुकी है और चौथे टेस्ट मैच में अगर वो फेल होते हैं तो पांचवे में जरूर बाहर हो जाएंगे और फिर वापसी करना मुश्किल होगा। लेकिन खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो इतना माना जा रहा है कि रहाणे चौथे टेस्ट मैच में भी बाहर हो सकते हैं टीम से। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि रहाणे को उपकप्तानी के वर्कलोड से मुक्त कर दिया गया है, रोहित को बड़ा इनाम मिला है और लंदन में भारतीय टीम के लीडरशिप ग्रुप में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि सीरीज जीतने के मकसद से बड़ा फैसला भी साबित हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, कितना सही है ये फैसला, रोहित को टेस्ट उपकप्तानी देना कितना सही कितना गलत, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।